गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी 203 किलोमीटर के बाद हम रुके हैं। डायरेक्टली 203 किलोमीटर के बाद हिमाचल की वादियों में अंधेरा अभी हट गया। अब तो सुबह भी हो गई। अभी हैं हम पालमपुर के आसपास और देखिए ये जो है ये है चाय के बगीचे। ये देखो यहाँ पर ये है यहाँ पे चाय के बगीचे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक शॉर्ट ट्रिप की शुरुआत हो गई है नए। अभी हम जा रहे हैं, अभी बजे हैं रात के 2। जस्ट मैं घर से निकला हूँ अभी चंडीगढ़ से और जा रहा हूँ मैं बहुत अच्छी जगह पे हिमाचल बिर बिलिंग। वहाँ पे 6 तारीख से वहाँ पे आपने सुना होगा बाती ग्रुप, ठीक है, बाती ट्रेवलर्स का ग्रुप है। वहाँ पे बाती के 5 साल पूरे हो रहे हैं। तो पहले मेरा जाने का प्रोग्राम नहीं था बट मेरा दिल्ली का प्रोग्राम था। दिल्ली जाना मेरा भी किसी कारण से कैंसिल हो गया, रात को ही पता चला। तो मैंने कहा लेट्स गो, तो जल्दी से सामान किया पैक और रात को 2 बजे चल के सुबह 5 घंटे का रास्ता होगा तो 7-8 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये ट्रिप रहने वाला है बहुत एक्साइटिंग क्योंकि नए नए लोगों से मिलेंगे, बहुत अलग अलग जगह से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इंडिया से बाहर से लोग आते हैं। इसके अलावा हम वहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे, नया एक्सपीरियंस होगा। तो इसी वजह से जो है मैंने ये डिसाइड किया कि हमें जाना चाहिए और नए नए प्लेसेस देखना चाहिए। और शॉर्ट है, 2 दिनों का है तो और भी अच्छा है क्योंकि अभी ऑफिस में भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। तो 2 दिन वीकेंड है तो आई थिंक ये इंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं खरड़ और खरड़ से अभी मैं निकला हूं, अभी पहुंचे किरतपुर साहिब, किरतपुर साहिब से फिर ऊना होके बैजनाथ बिर बिलिंग, जहां से आपको पता होगा कि जहां से पैराग्लाइडिंग होती है। तो पैराग्लाइडिंग वाले जगह से बिल्कुल जहां लैंडिंग होती है वहां से मैंने सुना है 5 से 10 मिनट का रास्ता है जो बाती होम्स है। वहां पे मिस्टर सुनील जी हैं जिनका वो ग्रुप है और जिनका जो वहाँ पे अकोमोडेशन है सब कुछ वो अरेंज करते हैं। तो बहुत अच्छा है, मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो कर रहा हूँ तो आज मौका मिला है, कल उनसे मिलेंगे और बाकी बाती मेंबर से भी मिलेंगे। सो लेट्स सी, अभी दिखाते हैं आपको आज का सफ़र चंडीगढ़ से लेके बैजनाथ बिर बिलिंग तक का। ठीक है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि इंस्टेंटली बना फैमिली के मैं साथ लेके नहीं जा सकता था क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी चले हैं हम, तो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद, तब तक आप एंजॉय करिए रोड्स। दोस्तों रात में सफर करने का मजा भी अलग है, गाने इतने अच्छे लगाए हुए हैं मैंने, बिल्कुल पुराने पुराने गाने देवानंद साहब के, बट वीडियो में इसलिए नहीं ला सकते सॉन्ग्स को क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। बाकी इतना अच्छा लग रहा है अभी रात को, ना कोई ट्रैफिक है ना कुछ है, आराम से गाड़ी 120-30-40 तक आराम से चल रही है 100 के आसपास। तो नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। तो अभी यही है कि ये ट्रिप जो है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज तक जितने भी ट्रिप्स किए वो एक तरह से अकेले होते थे, अकेले मींस कि मैं, फैमिली, फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। अभी जो है अननोन ग्रुप्स जो हैं बहुत मिलेंगे, लेट्स सी देखते हैं कैसा रहता है। ये देखिए हमारी HRTC की बसेस, इन बसों की हालत तो ठीक है बट कुछ बसेस तो बेचारी ऐसी हैं हिमाचल में कि जिनके हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी चलो सुनने में आया है कि बहुत बसेस जो है हिमाचल रोडवेज को मिल रही हैं, बेंगलोर में जो कंपनी है कोई जो बनाती है बसेस वहाँ से कुछ AC और कुछ non-AC बसेस मिल रही हैं, वो अच्छा है। नहीं तो आए दिन सुनने में मिलता था कभी कहीं बस खराब हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई बस गिर रही है, किसी की ब्रेक फेल हो रही है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं आनंदपुर साहिब से थोड़ा सा पीछे, कीर्तपुर साहिब से थोड़ा सा आगे और अभी यहाँ पे है टोल टैक्स। आई थिंक ये आनंदपुर साहिब से पीछे ही है थोड़ा सा। सो लेट्स सी क्या ये टोल टैक्स है कि एंट्री पॉइंट है हिमाचल का, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली।
लेट्स सी, देखते हैं क्या है। बेचारे सोया हुआ है कोई यहाँ पे, बहुत बुरा लगता है ऐसा देख के यार। ये देखो यहाँ पे कोई सोया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप उस हेल्प करने लायक हो तो आपको हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों हिमाचल एंट्री नहीं है, ये है जो टोल टैक्स होता है वो है कीर्तपुर टोल प्लाजा पे, तो 61 रुपीज लगता है यहाँ पे। ये पंजाब में है अभी हिमाचल का जो है रोड आया नहीं है, अभी हिमाचल थोड़ा सा आगे जाके आएगा। तो अभी दिखाता हूँ आपको हिमाचल में जब एंट्री होती है तो आई थिंक वहाँ पे भी लगना चाहिए। कीर्तपुर साहिब से जब मैं बिलासपुर के लिए जाता था मंडी मनाली के लिए तब तो लगता था 70 रुपये, अभी देखते हैं आगे कितना लगता है। अभी बज चुके हैं 2:45, पूरा एग्जैक्टली 1 घंटा हुआ है हमें और हम आए हैं 65 किलोमीटर ओनली। ठीक है, हम आराम से चल रहे हैं, 60-70-80 की एवरेज है, क्यों रुका भी था बीच में मैं, टोल टैक्स होते हैं और ठीक एवरेज ठीक चल रही है। मुझे ये था कि 2 घंटे में हमने एटलीस्ट जो चलना है वो चलना है 130 किलोमीटर, तो उसी हिसाब से हम बिल्कुल सही चले हुए। दोस्तों ये है हिमाचल का बॉर्डर, यहाँ पे XUV टाइप की गाड़ी का 70 रुपीज लगता है। अभी रुकेंगे हम चाय पीने के लिए, आई थिंक अभी हम चले हैं 100 किलोमीटर 98.3, अभी चलेंगे थोड़ा सा और 30-40 किलोमीटर और उसके बाद रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। 200 ऊना क्रॉस करने के बाद पूरा पहाड़ी एरिया आ जाता है। रोड बहुत अच्छे हैं अभी तक बहुत अच्छे रोड चले हुए हैं, नहीं तो अगर रोड अच्छे ना हो तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी हमें सिर्फ हुए हैं अराउंड 1.5-2 घंटे और हम आ चुके हैं 118 किलोमीटर, तो अभी अच्छा चला हुआ है, आराम से हम चल रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत स्लो। देखो रोड में के बीच में गाड़ियां बहुत खराब भी हो जाती हैं, ये देखो। रात को एक फायदा तो जरूर होता है कि आपको बहुत ही कम ट्रैफिक मिलता है। अभी बंगाना यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, अब पहाड़ी एरिया शुरू हो गया, अब तो काफी आराम से और ध्यान से चलना पड़ेगा। बाकी इस बार टूर में देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम जाते हैं। कुछ हमने ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग ऐसी होगी कि जो आई थिंक पहले आपने हमारी वीडियोस में तो नहीं देखी होगी, तो वही है, इसलिए थोड़ा मुझे अलग सा लगा ये, इसी करके मैंने प्लान बनाया। जबकि आपको पता है कि अभी मई मंथ में हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं ऑफिस के कामों में भी, बट थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, माइंड थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत थी, तो इसी वजह से जो है हम निकल पड़े हिमाचल की ओर। तो दोस्तों अभी जो टारगेट था उससे हम काफ़ी पहले पहुंच गए हैं, 4 बजे का टारगेट था पहुंचने का 130 किलोमीटर पे, अभी हम 340 पहुंच चुके हैं। तो अभी चलो थोड़ी ब्रेक लेते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो ब्रेक भी ज़रूरी होती है, तो इसी हिसाब से हम चलेंगे। तो अभी हम 7 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, तो बीच में एक नैप भी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अगर हम झपकी मार लें 1 घंटे की तो अच्छा रहेगा। बाकी गाने इतने अच्छे चले हुए हैं, ये देखिए आप, रोमांटिक सॉन्ग्स, एंड मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, आई थिंक इसका तो कॉपीराइट कुछ नहीं है, किशोर कुमार के गाने बड़े अच्छे चले हुए हैं। तो दोस्तों ब्रेक टाइम हो चुका है ख़त्म, अभी 5 मिनट का ब्रेक टाइम था, तो अभी हम चलेंगे थोड़ा और, अभी नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो जब थोड़ी नींद लगेगी तो थोड़ा सा रुक के सो लेंगे और क्या, तो यही रहता है वैसे ट्रैवलिंग में, जब तक आप फ्रेश हो तब तक चलते रहिए, जब आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है ज़रा भी तो उस टाइम रेस्ट कर लीजिए, चाहे 1 घंटा चाहे 1.5 घंटा चाहे 1/2 घंटा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी नैप भी जो है आपको फ्रेश कर देती है, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए हमेशा ट्रैवलिंग में। तो मुझे भी यही लग रहा है, मैं फ्रेश हूँ, अभी चलते हैं 1 घंटा और लेट्स सी, देखते हैं अर्ली मॉर्निंग में 4:00, 5:00, 6:00 कब जाके जो है हमें थोड़ा सा एहसास होता है कि अभी
नींद आ रही है, अगर ऐसा होगा तो फिर ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम कंटिन्यू वहीं पे चलेंगे बाती होम्स में डायरेक्टली। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे हमीरपुर है 35 किलोमीटर, रंगस 23, सुजानपुर 47, कांगू 15, नदौन 24 एंड धनेटा। ये देखो आप, तो अभी हम धनेटा होके जाएंगे लेट्स सी आगे, उसके बाद पता चलेगा जीपीएस कहाँ से लेके जा रहा है। तो अभी हम पहुंचे हैं पिपलू नाम की जगह है, पिपलू, ये देखो पिपलू यहाँ पे है। पिपलू की जनसंख्या है भाई 490 प्राणी, 1040 किलोमीटर पे है ये, 1040 मीटर पे सॉरी हाइट है। तो दोस्तों यहाँ से हमने जाना है अब राइट हमीरपुर की तरफ, 28 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो जीपीएस बता रहा है, तो यहाँ से हम इस रोड पे चलेंगे, फिर देखते हैं कहाँ पहुँचते कहाँ पर हैं हम। धनेटा, ये धनेटा जगह है धनेटा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी 203 किलोमीटर के बाद हम रुके हैं, डायरेक्टली 203 किलोमीटर के बाद हिमाचल की वादियों में। अंधेरा अभी हट गया, अब तो सुबह भी हो गई है। ओ भाई तुझे क्या हो गया, डोंट वरी, की के बिना गाड़ी भी बोलती है कहाँ जा रहे हो। तो अभी नैपिंग का टाइम हो गया है, ये देखो आप आवाज़ तो सुनो, गाड़ी है यहाँ पर, पक्षियों की आवाज सुनो सुबह सुबह। अभी सुबह के 5:30 हुए हैं, अभी लेंगे हम 1 घंटे की नैप यहाँ पे, फिर चलेंगे आगे। नज़ारे यार बहुत बढ़िया है, मौसम अल्टीमेट इतना अच्छा है कि क्या बताएं। मौसम यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी, जो गाड़ी शो कर रही है। तो दोस्तों लगभग 1 घंटे की नींद के बाद अब बिल्कुल फ्रेशनेस सी हो गई है, नींद नहीं आ रही है ड्राइविंग करते हुए। तो अभी चलते हैं, अभी है 50 किलोमीटर यहाँ से, तो 1 घंटा कम से कम और लगेगा, 1 घंटे ज़्यादा लगेगा क्योंकि रोड सिंगल है। तो चलिए अभी दिखाते हैं, रोड तो है बहुत अच्छा, अच्छा मीन्स कि बहुत ही साफ़ सुथरा है, कोई खड्डा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो दोस्तों अभी हैं हम पालमपुर के आसपास, और देखिए ये जो है ये है चाय के बगीचे, ये देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पे चाय के बगीचे सारे के सारे, ये देखो। तो हिमाचल में चाय के बगीचे भी हैं, आई थिंक आपको पता होगा पहले ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अभी ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया है, वैसे तो वहाँ पे पहुँचना है पहले, बट ब्रेकफास्ट भी करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं बीड़, और यहाँ पे बहुत जाम लग रहा है क्योंकि रोड बहुत पतले हैं और इतनी बड़ी बड़ी बसेस आई हैं ट्रैवलर्स की। यहाँ पे लैंडिंग साइट इधर है, और जो जहाँ से फ्लाई करते हैं वो यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर ऊपर है, तभी इसको बीड़ बिलिंग कहते हैं। ये है बीड़, जहाँ से फ्लाई करते हैं वो है बिलिंग। तो दोस्तों ये है बाती होम्स बीर में, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। तो बाकी तैयारियां कर रहे हैं सब लोग ये ट्रैकिंग भी जाने के लिए। अभी हम जाएंगे राजगुंदा, दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।